दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार एसएससी इंटर मेंस कट ऑफ के बारे में। आपको पता ही होगा कि 25 दिसंबर 2020 को बिहार एसएससी इंटर मेंस का परीक्षा संपन्न हो चुका है। ये परीक्षा दो पारियों में संपन्न हुआ था, 2014 का वैकेंसी था। अब देखिए भाई, कट ऑफ पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा इस डाटा को आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। जो कुल विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं 52,500 उनकी कुल संख्या थी, यानी 52,500 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है। अगर टोटल विद्यार्थियों की बात करें जिन्होंने प्री एग्जाम पास किया था जो दिसंबर 2018 में हुआ था, तो उनकी संख्या है 64,000, ठीक है। और मेंस का फॉर्म भरे थे 58,000, जबकि परीक्षा दिए हैं लगभग 52,000, यानी फॉर्म भरने का लगभग 90% ने परीक्षा को दिया है। अब 52,000 में कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे उसको देखिए, क्योंकि कट ऑफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी है। देखिए लगभग 25,000 बच्चे यहाँ से पास होंगे, ठीक है। ये मेंस का कट ऑफ है, ये मेरिट का कट ऑफ नहीं है, इस बात को आप लोग क्लियरली समझ लीजिए। मेरिट का कट ऑफ इससे हाई रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर 52,000 बच्चों के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, अब उसमें क्या है कि लगभग आधा विद्यार्थी उसके पास हो जाएंगे, ठीक है। 25,000 या 23-24,000 विद्यार्थी पास हो जाएंगे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें ये तो तय था कि जो कुल सीट था उसका लगभग 5 गुना रिजल्ट लिया जाएगा जो प्री में पास होंगे बच्चे उसका, लेकिन मेंस में जो रिजल्ट है वो 2 गुना होगा या 1.5 गुना होगा वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 13 दूनी 26,000 या 25,000 या 23-24,000 लगभग इतने बच्चे मेंस पास करेंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। अब कट ऑफ देखिए भाई, कट ऑफ यहाँ टाइपिंग नॉन टाइपिंग दो कैटेगरी मैंने लिखा है, यहाँ EWS और फीमेल का कोई कैटेगरी नहीं होगा, इस बात को आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। फीमेल का और EWS का यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2014 में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। जनरल, BC, EBC, SC, ST, दिव्यांग, EBC को उस समय MBC कहा जाता था, तो वही EBC ही हुआ, ठीक है। और टाइपिंग नॉन टाइपिंग, अब देखिए यहाँ से जो बच्चे मेंस पास करेंगे, ठीक है, मेंस जो पास करेंगे तो उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, कुछ जो पोस्ट हैं, चूंकि कुल पोस्ट की जो संख्या है लगभग 45 है अलग अलग डिपार्टमेंट में, बिहार सरकार का 45 के आसपास कुल पदों की संख्या है। अब वहाँ पर कुछ में टाइपिंग चाहिए, कुछ में शॉर्ट हैंड चाहिए यानी आंसू लिपिक, इसके अलावा कुछ में फिजिकल चाहिए, कुछ में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों चाहिए। तो इस तरीके से प्रायोरिटी बच्चों ने भी फिल किया था, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये प्रायोरिटी ऐसा फिल किया था, उस आधार पर ही कट ऑफ यहाँ पर जारी होगा। इसलिए मैंने दो कैटेगरी बताया, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग। नॉन टाइपिंग, ठीक है, नॉन टाइपिंग में फिजिकल भी शामिल है, ठीक है, नॉन टाइपिंग में फिजिकल भी शामिल है, और फिजिकल के अलावा जिनको कुछ नहीं करना है वो सिर्फ मेरिट का इंतज़ार करेंगे। और टाइपिंग में, यहाँ पर टाइपिंग कहने का मतलब स्किल टेस्ट हुआ, यहाँ पर स्किल टेस्ट हुआ, इसका मतलब आप समझिए यहाँ पर टाइपिंग भी है शॉर्ट हैंड भी है, ठीक है, दोनों यहाँ पर इंक्लूड है। अब जगह नहीं था इसलिए शॉर्ट हैंड भी यहीं पर इंक्लूड है, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसा है जहाँ पर सिर्फ टाइपिंग चाहिए, कुछ वैकेंसी में टाइपिंग नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें सिर्फ शॉर्ट हैंड चाहिए, और कुछ में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है और यहाँ पर है। इसके अलावा आप लोग एक बात और समझ लीजिए, जो कट ऑफ होगा वो अलग अलग जो पोस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, उसके लिए भी अलग अलग जारी होगा। अब उतना तो लिखना संभव था नहीं, तो इसलिए मैंने मोटे तौर पे दो कैटेगरी बनाया, एक टाइपिंग वाला और एक नॉन टाइपिंग वाला, और दोनों का कट ऑफ आपके सामने है। ये जो कट ऑफ दिख रहा है ये मैक्सिमम कट ऑफ है, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जनरल का 90 और 100 है, ठीक है, टाइपिंग में 90 और नॉन टाइपिंग में 100, ये मैक्सिमम है, ठीक है, 100 से ज़्यादा नॉन टाइपिंग में कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ये मेंस का कट ऑफ है, ये मेरिट का कट ऑफ नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो जनरल का कट ऑफ देखिए 90 और 100, ठीक है, जनरल का कट ऑफ कितना दिख रहा है आपको, 90 टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में 100, ये मैक्सिमम है। 100 से ही अगर कम ही जाएगा, अगर 100 से 1-2 नंबर जिनका कम है तो वो भी एकदम सेफ जोन में ही अपने आप को समझे। ऐसे उम्मीद है कि भाई फरवरी में उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इसका रिजल्ट आने का। अगर BC कैटेगरी में बात किया जाए भाई, तो 86 और 96 टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पदों के लिए, EBC में 84 और 94, ये मेरे द्वारा अनुमानित है, SC में 76 और 86 टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में, ST में बात करें तो 77 और 87, और अगर दिव्यांग कैटेगरी में बात करें तो 62 और 72। देखिए भाई यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो दिव्यांग कैटेगरी हैं वहाँ भी 3-4 कैटेगरी हैं जिनको ऑर्थोपेडिक समस्या है, ठीक है, हड्डी में, ज्वाइंट में, मसल्स में, एक वो कैटेगरी हो गया OH, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड,
इसके अलावा जिनको विजन में कुछ प्रॉब्लम है वो VH कैटेगरी हो गया, उसके अलावा हियरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में कुछ दिक्कत है तो वो एक कैटेगरी हो गया HH, हियरिंग हैंडीकैप्ड। तो उस दिव्यांग में भी दो तीन कैटेगरी में कट ऑफ आएगा, लेकिन मैंने एक मोटे तौर पे कट ऑफ लिखा है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो 62 और 72, 62 है टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में 72, क्योंकि अलग अलग जो पद हैं 45 के आसपास जो पद हैं वो कुछ में टाइपिंग चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए, किसी में शॉर्ट हैंड चाहिए, किसी में दोनों चाहिए, किसी में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस आधार पर भाई ये कट ऑफ है। अब दोस्तों एक बात और, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इतना कम कट ऑफ मैंने लिख दिया है। अब इतना कम नहीं है, ये बिल्कुल ही कम नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो खबरें आ रही हैं, अब हिंदुस्तान अखबार में भी जो खबर दिखा कि 75% कट ऑफ जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये कट ऑफ ही रहेगा, कट ऑफ 110-115 वैसा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाला है। मेरिट में क्या जाएगा वो बात अलग है, और उसमें भी राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, अलग अलग पदों के लिए के हिसाब से कट ऑफ हाई होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, इस बात को समझिए आप लोग, आखिर इतना कम कट ऑफ क्यों? कम नहीं है, लेकिन पेपर में जो जानकारी मिला या बहुत सारे जगह से ये जानकारी मिल रहा है कि 110 जाएगा, 107 जाएगा, 112 जाएगा, उस आधार पर, उसके तुलना में मैं इसको कम बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? देखिए, 25,000 बच्चे यहाँ पास होंगे, 25,000 मेंस में पास होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पास हो जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेंस का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एक और प्रोसेस होगा, मेरिट का कट ऑफ तब जारी होगा। अभी एक थर्ड स्टेज का प्रोसेस बचा हुआ, जिसमें टाइपिंग होगा, शॉर्ट हैंड होगा, आशुलिपि, इसके अलावा कुछ का फिजिकल भी होगा, उसके बाद होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। तो 25,000 यहाँ से रिजल्ट आने वाला है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 52,000 बच्चे एग्जाम दिए, 25,000 या 24,000 या मे बी 23,000, इतना रिजल्ट आने वाला है, तो आप ही बताइए कट ऑफ तो हाई नहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक और फैक्टर पर बात करें तो 4 में से 1 नेगेटिव है, बिहार दरोगा एग्जाम से अगर तुलना किया जाए तो वहाँ पर 10 में 1 था, माइनस का जो प्रक्रिया था 10 में 1 था बिहार दरोगा में, जबकि यहाँ पर है 4 में 1। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने सारे सवालों का अटेम्प्ट नहीं किया। हम अपना अगर खुद का बात करें तो मेरा सेंटर भाई जगजीवन कॉलेज में था, गया में, मैंने अटेम्प्ट किया 135 सवाल, अब आ ही नहीं रहा था तो क्या करें, और 135 में भी गलती भी काफ़ी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो 4 में 1 गलती है, ठीक है। इस वजह से सारे सवालों को अटेम्प्ट नहीं किया गया, और इस तरीके से जो इतना ज़्यादा नेगेटिव का यहाँ प्रोसेस है, तो कट ऑफ को ये कम करने वाला एक फैक्टर होता है, ठीक है। अगर SI मेन से तुलना किया जाए तो बिहार सब इंस्पेक्टर का जो मेंस परीक्षा हुआ है 29 नवंबर 2020 को, उसके तुलना में इसका पेपर हार्ड था। वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था तो हमको पता है भाई कि ये पेपर उससे हार्ड था, चूंकि 2 सीट में परीक्षा हुआ। हिंदी का पेपर इतना आसान था कि मत पूछिए, 5वां 6ठा क्लास का बच्चा भी 90% सवाल तो बना ही देता, एकदम आसान पेपर था। वही अगर जो सेकेंड पेपर की बात किया जाए तो सेकेंड पेपर एकदम उल्टा था, सेकेंड पेपर भाई साहब काफ़ी हार्ड था, 150 सवाल, मैथ रीजनिंग का सवाल तो ऐसा था कि क्या कहा जाए, ऐसा था कि मतलब बहुत भी हार्ड नहीं था, ठीक है, एक मध्यम स्तर से थोड़ा सा ऊपर का ही सवाल था, और लिंदी मैथ बहुत था, रीजनिंग बहुत अच्छा खासा लेवल का था, बहुत सारा जो रीजनिंग था मुझसे छूटा, कम से कम 3-4-5 रीजनिंग तो हम छोड़ ही दिए होंगे, ठीक है, तो इस तरह का था। तो मैथ रीजनिंग का भाई अच्छा लेवल था, SI मेंस से इसका पेपर हार्ड था। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि साफ सुथरा परीक्षा हुआ है, चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कट ऑफ को कम करने वाला है, ठीक है, तो साफ सुथरा एग्जाम हुआ है, पेपर लीक का कोई भी खबर इसका नहीं आया है, आप लोग भी नहीं सुने होंगे ऐसा पेपर, तो ऐसा खबर, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, रिजल्ट 25,000 के आसपास आएगा या 24,000 या 23,000, ये कट ऑफ को कम करने वाला फैक्टर है, इसलिए ये कट ऑफ रहेगा, या इससे भी कम जा सकता है, आप लोग इस बात को समझिए। इसके बाद अगर दूसरा बात करें तो मैथ रीजनिंग का सवाल भाई साहब अच्छा खासा लेवल का था, मैंने खुद एग्जाम दिया तो मुझे पता है बिहार SI के तुलना में जो SI मेंस के का 29 नवंबर को एग्जाम हुआ था उससे इसका पेपर हार्ड था, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिहार दरोगा में 10 में 1 था, यहां पर 4 में 1 है, 4 में 1 जिस एग्जाम में होता है उसका कट ऑफ ऐसे भी बहुत मतलब कम ही जाता है, ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाता है। इसके अलावा भाई साहब जो एग्जाम हुआ है वो साफ सुथरा एग्जाम हुआ है। तो ये एक एनालिसिस था मेरा, और इस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। जनरल में जो 100 हैं जी या जिनका 98 आ रहा है, 98 क्वेश्चन है, ये एक बार फिर से बता देते हैं, ये सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर था, और 4 गलती अगर कोई करेगा
तो 4 नंबर कटता था और एक गलती के लिए 1 नंबर। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है काट छाट कर, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि बिहार एसएससी इंटरमेंस के कट ऑफ के ऊपर एक एनालिसिस करके मैं आपको कुछ बता सकूँ। धन्यवाद।